बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना सेफ्टी के मार्केट में घूम रहे हैं। देखिए, हालात बहुत खतरनाक है। जिंदा रहे तो कुछ भी बाद में कर सकता है, मौत भी। ये कोरोना वायरस के साथ अगर मौत आ गया, मौत भी अकेले में हमें देखना पड़ेगा। हालत उतना खतरनाक है जो इटली, स्पेन, अभी सऊदी अरब में भी शुरू हो गया है, एक दो मौत हुआ है, और चाइना का तो हालत मालूम है हमारे को, और दूसरा बहुत सारे कंट्रीज में भी। देखिए, अभी हमारा इधर ही मेरे ख्याल से 30 to 40 days लेट हुआ है हम लोग लॉकआउट करने में। एक महीना या 1.5 months अर्लियर करना था, नहीं किए हैं। एटलीस्ट अब भी जो हुए हमें संभाल के अपने अपने घर में रहते हुए जो खाना पीले को आराम से नमाज पढ़ को या कोई तुम्हारा जिसको क्या चाहिए करके आराम से घर में बैठना। भी 21 days मिनिमम है ये 2 महीना भी चल सकता है। देखिए, हमारा अभी गवर्नमेंट हुकूमत एक एफर्ट तो अब शुरू करे हैं, तो हमें भी उनको साथ देना चाहिए। और मेरा मुसलमान भाइयों से मैं नीलसंद्रा, शिवाजी नगर, टैनी रोड और तमाम एरिया में जहां पर भी है, वो लोगों को ये फिक्र नहीं है। सब क्या सोच, मुझे नहीं आएगा करके किसी को बोल के आता क्या? आज हम अभी व्हाट्सएप में देखा प्रिंस चार्ल्स को आया है जी। तो ये किसी को भी आ सकता है, ये नहीं आना है। हमें दुआ यही कर रहे किसको भी नहीं आए, तो हमें कंट्रोल करना है। देखिए, आप घर में रहेंगे तो ये नहीं आएगा, आप बाहर जाएंगे तो आपके साथ घर को आएगा, आपको भी आएगा, परिवार को पूरा लग जाएगा। सी, कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। हमें डरने का जरूरत नहीं, लेकिन कॉशियस रहना है। हमें एटलीस्ट जो चीज नहीं करना वो नहीं करना है, क्योंकि बाहर है ये। देखिए, अभी नमाज, देवल, चर्च सबको बंद कर दिया। क्यों? एक आदमी को रहेगा मस्जिद में, 2000 आदमी नमाज पढ़ता, 2000 आदमी को भी फिर वॉच करना पड़ता है। तो हमें भी बेवकूफी नहीं करना है, एटलीस्ट समझदारी से अपना काम ले। तो अगर मैं अपना माँ बाप है, पेरेंट्स है, बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजरो ना, क्या है, थोड़ा कुछ इबादत करो। एंड कोशिश, देखो सब भी बिजी थे। देखिए, एक पूरा दुनिया में मैं देख रहा था किसके पास वक्त नहीं, किसको पूछे तो भी बिजी, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर चीफ मिनिस्टर तक बिजी। एक वायरस जो हमारे नजर में भी नहीं लग रहा है, सबको लेके आके घर में बंद कर दिया। ऊपर वाले का ये है, वो सब सोचो, तरह इंसान बन जाओ, जमीन पर बैठिए, आराम से रहिए। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इंसान इंसान ही होता है, ऊपर वाला है। इसे इसका बीच में जो है उसे उसी तरीके से रखकर आप अच्छा इंसान बनकर रहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें भी दुआ कर रहे, आप लोग भी दुआ करो, क्योंकि दुआ इज द ओनली वे। ऊपर look to the sky is the ultimate answer, and be little careful, ushar se apne apna jo abhi hukumat ko hame, aur hukumat ko already hum log, mai abhi baat kar le ko hukumat ke sath, salaried people, daily working class, rented house people, provisions, vegetables, is cheezon ke liye government kya to bhi karna, nahi to ek mahina sab kaise reh sakta hai, 4 din hai, 3 din hai to इट्स ओके। अभी डेली वेजेस को काम करने वाला क्या करना, और प्रोविजंस चाहिए, मंथली सैलरी को काम करने वाला क्या करेगा? अभी सैलरी बैंक भी बंद है, सैलरी किधर से लेगा वो, बैंक से अकाउंट से पैसा लेने को नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर नहीं जाना, रेंट को घर में रहने वाला रेंट देना है, सब ये सब चीज को थोड़ा सोच कर 1-2 महीने के लिए किस तरीके से हमें गवर्नमेंट हुकूमत तब काम करना है आगे आकर। तो हमें भी उनको बोल रहे, जहां पर एरिया में भी अगर प्रोविजन परचेज को 1 दिन या 2 दिन छोड़ के क्यू में लाइन में एक आदमी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए काम करना। हम लोग पूरा फुल ऑल सिटीजन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। कोई हुकूमत कानून लेके आने से इसको रोकने को नहीं होगा, जब तक हम लोग उसमें शामिल होकर काम नहीं करेंगे तो 100% ये नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं। ऑल जो जो कम्युनिटी, कैस्ट, रिलीजन, ये सब छोड़कर इंसान बनकर हमें इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए।